हेलो गाइस, तो मैं अभी हूँ उज्जैन के बस में और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8:30 और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ओमकारेश्वर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर का है और मैंने एडवर्स से 4 AC टिकट बुक करा था जिसका फेयर 940 रुपीज़ था। अगर आप प्राइवेट कार से जाना चाहते हो तो उसका फेयर 3500 से 4000 रुपीज़ लग जाएगा, या फिर आप ऑफलाइन से भी बस टिकट बुक करा सकते हो जिसके लिए आपको बस स्टैंड आना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर के बस स्टैंड में और बस स्टैंड से मंदिर तक जाने के लिए छोटा व्हीकल यानी कार या ऑटो से जा सकते हैं, अंदर बड़ा गाड़ी जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, ये है होटल का बैल्कनी और यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर का है और यहाँ से नर्मदा रिवर भी पास में ही है। तो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि हम लोग अभी आ गए हैं रूम में और ये हम लोगों ने एक रूम लिया है, दो रूम लिया है, एक है ए वाला और एक है ए वाला। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दो रूम लिए थे जिसका फेयर हम लोग 2700 रुपीज़ पे किए थे। और दोस्तों, अभी हम लोग जाने वाले हैं नर्मदा रिवर में नहाने के लिए और हम लोग नहाने के बाद जाएंगे मंदिर में। और ये है सुमन और वो है अभिजीत। और दोस्तों, हम लोग अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं नर्मदा नदी में और यहाँ पर नहाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए। और दोस्तों, नदी के उस पार जो मंदिर दिख रहा है वो है ओमकारेश्वर मंदिर और इस तरफ है मामलेश्वर मंदिर। और दोस्तों, सामने जो नज़ारा है वो वाकई ही बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, हम लोग अभी आए हैं मई के महीने में और इस महीने में साउथ के लोगों का ज़्यादा ही भीड़ रहता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं तो इसलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों, ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मंदाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया था। और दोस्तों, इस तरफ जो डैम दिखाई दे रहा है वो ओमकारेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस है इंडिया में।
और दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहां से हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ था इसलिए हम लोगों को दर्शन करने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया यहाँ पर। दोस्तों ये है दर्शन करने का टाइम टेबल, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो गाइस सब लोग अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर के अंदर, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। और दोस्तों ये है मंदिर का गर्भगृह और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्पराज वासुकी के नीचे महादेव का ज्योतिर्लिंग विराजमान है और यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देता है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर दर्शन करके प्रणाम करके हम लोग निकल पड़े महाबलेश्वर के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं महाबलेश्वर में, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा करने वाले हैं बोटिंग, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग थे 4 पर्सन, तो 4 पर्सन के हिसाब से हम लोगों को 600 रुपीज़ पे करना पड़ा बोटिंग का। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं नदी के इस पार और अभी हम लोग जाने वाले हैं महाबलेश्वर मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद महाबलेश्वर दर्शन करना ज़रूरी है, वरना ओमकारेश्वर दर्शन करने का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर के अंदर और आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी लाइन है।
दोस्तों हम लोग शाम के टाइम में दर्शन करने गए थे और शाम के टाइम में गर्भगृह के अंदर जाने का अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5 और अभी हम लोग जाने वाले हैं नर्मदा और कावेरी के संगम स्थल पर। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ का जो नज़ारा है वो वाकई ही बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे जो नर्मदा डैम है वो भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ से जो कावेरी और नर्मदा का जो संगम स्थल है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग सोचे कि हम लोग सुबह में निकलेंगे जाने के लिए, तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और संगम भी देख लेंगे। और वहाँ से नहाने के बाद हम लोग आने वाले हैं फिर से ओमकारेश्वर मंदिर में और उसके बाद हम लोग जलाभिषेक करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से शंकराचार्य जी का भी जो स्टैचू है वो भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर जो है वो एक टापू के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी भक्त आते हैं जो इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों इसी रास्ते से वो लोग परिक्रमा करके जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जो कावेरी नदी है वो यहाँ पर बहुत ही शांत है। दोस्तों तो अभी हम लोग आ चुके हैं कावेरी और नर्मदा के संगम स्थल पर और आप देख सकते हो कि इस तरफ है कावेरी और उस तरफ है नर्मदा। दोस्तों यही है वो जगह जिसके लिए मैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ और इस संगम स्थल पर नहाने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि इस संगम स्थल पर नहाने के बाद यहाँ पर एक मंदिर है जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में जल अभिषेक करने से आपको इस जन्म में जो भी आपका ऋण है माफ़ हो जाएगा, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो गाइस चलते हैं, अभी नहाने का टाइम हो गया है और नहाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पूजा का कोई भी सामग्री का अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको यहीं से आपको मिल जाएगा, जो पास में जो दुकान है उसी से वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर और भी बहुत सारा दुकान लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर पानी का बहाव कुछ जाता ही है लेकिन ये नदी जो है वो पहाड़ों के ऊपर से जाता है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि ये लोग इतना दूर खड़े हैं लेकिन यहाँ पर देखिए आप ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ करंट ही है यहाँ पर। और आज है एकादशी का दिन इसलिए बाबा लोग भी यहाँ पर नहा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो चलते हैं अंदर। और दोस्तों यहाँ पर कुछ माताएं हैं जो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रही है और यहाँ पर एक मान्यता है जो यहाँ पर चने का जो डाल है, चने का डाल से यहाँ पर पूजा किया जाता है जैसे जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। सो गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय श्री राम।